जरूरी सूचना आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है नॉर्मली, ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, पिछले रविवार को UPSC ने एग्रीकल्चर सर्विसेज का एग्ज़ाम कराया था, जिसका यह ऑफिशियल पेपर है और आयोग द्वारा जो ऑफिशियल आंसर की अपलोड की गई है वही आप लोगों को दिखाया जा रहा है कि किस प्रश्न का आंसर क्या है। इसमें सामान्य अध्ययन के प्रश्न पूछे गए थे, 1 से लेकर 40 प्रश्न जो है सामान्य अध्ययन के, बाकी आपके एग्रीकल्चर सेक्शन के हैं। तो जो लोग भी UPSC प्रीलिम्स और RO का पेपर देने जा रहे हों वो लोग ये पेपर जरूर देख ले हैं। पहला जो प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था, तो ये आपका BN राव जी थे, संवैधानिक सलाहकार संविधान सभा के। दूसरा प्रश्न था अष्टप्रधान का जो है सबसे महत्वपूर्ण मंत्री कौन था शिवाजी के, तो पेशवा होता है सबसे महत्वपूर्ण मंत्री और यह जो है वर्तमान के प्रधानमंत्री की तरह होता था। रीजनिंग का प्रश्न था, इसका आंसर आपको 72 होगा, डी ऑप्शन सही है। आलू पौधे का कौन सा भाग होता है, आपका तना होता है, कई बार परीक्षा में रिपीटेड प्रश्न है। व्यवसाय में लाभ और सेवा प्रयोजन होता है, आपका पूरक होता है, बी ऑप्शन इसका सही है। वर्षा जल संचयन और स्प्रिंकलर सेट वितरण योजना यह बुंदेलखंड में जो है क्रियान्वित की गई है, ये ऑप्शन इसका सही है। और ये कई बार रिपीटेड प्रश्न है, भारतीय मानक समय निम्नलिखित में से किस मध्यान्ह देशांतर द्वारा निर्धारित किया गया है, तो 22:30 पूर्व देशांतर है, इसका जो ऑप्शन ए है वो आपको सही है। किनके चुने हुए भाषणों को एक पुस्तक के रूप में लोकतंत्र के स्वर के नाम से प्रकाशित किया गया है, तो हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का है, सी ऑप्शन सही है। यहाँ पर आपको अधिनियम को जो है सुमेलित करना था, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम यह आया था 1972 में, पहला कसी हो जाएगा। इसी प्रकार से पर्यावरण संरक्षण अधिनियम यह आपका 1986 में आया था, ए में आप हो जाएगा। राष्ट्रीय हरित यह आपका आया था 2010 में, ये चौथे में हो जाएगा। और जैव विविधता संरक्षण अधिनियम आपका 2002 में आया था। यह सारे ही जो अधिनियम है ये बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं, ये आपके रिपीटेड प्रश्न है, इसलिए बी ऑप्शन इसका सही है। रीजनिंग का प्रश्न है आपका, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दूध में आप लोग जानते हैं लैक्टिक एसिड, यह भी आपका रिपीटेड प्रश्न है। और यहाँ पे आबाद संख्याओं का औसत निकालना था, आपका 15.8 हो जाएगा। छऊ जो है यह उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है, बाकी आपका कथक, नौटंकी और चारगुला जो है ये सभी उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं, सी ऑप्शन इसका सही है। वन नेशन वन इलेक्शन पैनल के जो अध्यक्ष चुने गए थे वो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी चुने गए थे। करंट अफेयर जो है काफ़ी पुराने पूछे गए थे, डी ऑप्शन इसका सही है। झांसी का 183 होगा, इसमें ये ऑप्शन सही है। जेल जहां सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य तिलक तथा लाला लाजपत राय ने अपनी बंदी जीवन व्यतीत किया था वो मांडले जेल था, सी ऑप्शन इसका सही है। विश्व पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को मनाया जाता, काफ़ी फेमस प्रश्न है, कई बार प्रश्न रिपीटेड है। कोयला क्षेत्र जो दामोदर घाटी में स्थित नहीं है, इनमें आपका तंदूर होगा, तंदूर जी आपका महाराष्ट्र में है, बाकी रामगढ़, गिरिडीह और उत्तरी कनकपुरा जो है सभी दामोदर घाटी में विस्तृत हैं, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। यहाँ पे आपको मिलाना था, तो मिलेट्स जो है ये ज्वार और बाजरा होते हैं। पल्सेज जो होती हैं, या पल्सेज में आपका प्रोटीन होता है। ग्राम जो है, जो ग्राम है वह रबी हो जाएगा। और इसी प्रकार जो है चाय का पौधाकरण होता है, इसका जो ऑप्शन बी है वह आपका सही है। यहाँ पर आपको कालक्रम के अनुसार सजाना था, सबसे पहले लेकर अंतिम तक आपको सजाना था। आप लोग जानते हैं कि अजातशत्रु जो है ईसा पूर्व में रहा है, फिर इसके बाद शक संवत आता है, फिर आपका स्कंद गुप्त काल आता है और अंत में आपका यशोवर्धन आता है, 500 ईस्वी के आसपास है, तो इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है।
सीमित दायित्व वाले साझेदारी फर्म में साझेदारों की जो अधिकतम संख्या होती है आपके असीमित होती है। सी ऑप्शन इसका सही है। और यह जो रिपोर्ट है पिछले साल आई थी और इसके अनुसार जो भारत में 60 वर्ष तथा अधिक आयु की जनसंख्या बढ़कर जो है कितनी हो जाएगी आपके 158 मिलियन हो जाएगी। सी ऑप्शन इसका सही है। और यूनियन हेल्थ मिनिस्टर द्वारा जो है फरवरी 2024 में जो आरंभ किया गया था एम्स SBI स्मार्ट पेमेंट कार्ड शुरू किया गया था। ये ऑप्शन इसका सही है। और यह प्रश्न कहीं देखने को मिला नहीं कि औषधि पार्क जो है कहाँ स्थापित हो रहा है। और वैसे आप लोग देख रहे होंगे यह जो आपके ललितपुर में स्थापित हो रहा है लेकिन आयोग ने लखनऊ माना है, किस बेस पर माना है इसको देखा जाएगा और आप लोगों को प्रूफ दिया जाएगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ये एक डाउट वाला प्रश्न है। अगला जो है आपका LCM से प्रश्न है, इसका आंसर आपका 148 हो जाएगा। और कई बार प्रश्न को रिपीटेड है आपका। सोनभद्र जो है चार राज्यों से जो है सीमा स्पर्श करती है। और पर्यावरण नियोजन समिति जो गठित की गई थी ये आपका 1972 में गठित की गई थी। ये ऑप्शन इसका सही है। एक हार्स पावर का जो मान होता है आपका 746 वाट होता है। सी ऑप्शन सही है। कई बार परीक्षा में रिपीटेड प्रश्न है। 30 का आंसर हो जाएगा। सूचना का अधिकार 2005 में भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। टांसले ने जो है यह पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग किया था। बी ऑप्शन इसका सही है। मसूलीपट्टनम यहाँ पे माना गया है। प्रथम ब्रिटिश व्यापारी कारखाना जो आपका मसूलीपट्टनम है, इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। आप लोग UPSC किसी पेपर में अगर आप लोग बैठिए तो वहाँ पर इसका आंसर जो है सूरत ना होकर आपके मसूलीपट्टनम ही चूज करिएगा, क्योंकि आयोग द्वारा जो है यह आंसर माना गया है। और रबर के उत्पादन में आपको उत्पादन की प्रतिशत मात्रा के अनुसार जो है घटता क्रम आपको पहचानना था। तो इसमें सबसे अधिक जो उत्पादन होता है आपका केरल में होता है, फिर थोड़ा सा कम आपका जो होता है वह तमिलनाडु में होता है, फिर आपका कर्नाटक में, अंतिम में आपका अंडमान निकोबार आएगा। तो ये ऑप्शन इसका सही है। इसी प्रकार से ये आपके मैथ का प्रश्न है, इसका आंसर आपका 64 दिया गया है। और अक्टूबर 2023 में नई दिल्ली में जो है G20 सम्मेलन जो हुआ था उसमें जो है पौधा लगाया गया था आपका बरगद का। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। 7 अगस्त से UPSC के हमारे क्रैश कोर्स शुरू किए गए हैं। यह जो क्रैश कोर्स है ये हमारे दोनों भाषाओं में है। UPSC 2024 प्री ओनली करंट अफेयर का जो ग्रुप है ये 2000 रुपये का है। UPSC 2024 प्री टेस्ट सीरीज विद करंट अफेयर जो ग्रुप है इसकी जो फीस आपकी 5000 रुपये है। UPSC प्री 2024 फुल पेड ग्रुप विद डाउट क्लियरेंस का जो ग्रुप है ये 9000 रुपये का है। UPSC 2024 फुल स्टडी मटेरियल ग्रुप विदाउट डाउट क्लियरेंस का जो ग्रुप है ये 6500 रुपये का है। ओनली स्टडी मटेरियल ग्रुप नो डाउट क्लियरेंस नो टेस्ट सीरीज का जो ग्रुप है ये 4000 रुपये का है। UPSC 2024 ओनली टेस्ट सीरीज का जो पेड ग्रुप है ये 3500 रुपये का है। और इसमें टोटल जो है 40 टेस्ट दिए जाएंगे जिनमें 20 सेक्शनल होगा और 20 आपका फुल लेंथ टेस्ट सीरीज होगी। ओनली पेड क्विज का जो ग्रुप है यह 1200 रुपये का है। इनमें से कोई भी पेड ग्रुप आप लेना चाहते हैं तो ये हमारे 3 दिए गए नंबर है, इस पर कॉल व्हाट्सअप करके जो है जानकारी ले सकते हैं। अगर आप UPSC प्री 2024 के लिए सिलेक्शन मटेरियल आप लेना चाहते हैं जिनमें पूरा GS होगा और आपका करंट अफेयर होगा और यह टोटल जो है 844 पेज का है, इस सिलेक्शन मटेरियल जो कीमत है वह 3000 रुपये है। इनमें से कोई भी ग्रुप आप लेना चाहते हैं तो ये दिए गए नंबर इस पर कॉल व्हाट्सअप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और किस तेल की शुद्धता का मूल्यांकन करने के लिए कन्नौज में फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर FFDC की स्थापना की गई है। ये आपके मेंथा तेल के लिए बी ऑप्शन इसका सही है। मानव शरीर में किडनी उत्तरदायी है उत्सर्जन के लिए, ऑप्शन ए सही है। भारतीय कृषि सांख्यिकी संस्थान कहाँ स्थित है, आपके नई दिल्ली में स्थित है। और यह काफ़ी रिपीटेड प्रश्न है, 1 रुपये के नोट पे जो है किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो यह जो आपका भारत सरकार जो है 1 रुपये का नोट जारी करता है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। तो इस प्रकार आप लोग जो है सामान्य अध्ययन के टोटल 40% देखे हैं और यही पैटर्न फॉलो करेगा आपका आगामी जो पेपर होने वाला है RO PCS हुआ, इस प्रकार से प्रश्न कुछ आपको देखने को मिलेंगे। आप लोग देख पा रहे होंगे इसमें जो करंट अफेयर है ये अक्टूबर 2023 से भी लिया गया है। तो आप लोग जो लोग भी PCS तैयारी कर रहे हैं वो लोग अपना नवंबर दिसंबर से जो है करंट अफेयर पढ़ें, और जो लोग RO 2023 का पेपर की तैयारी कर रहे हैं वो लोग जनवरी 2024 से अपने कंप्लीट जो है करंट अफेयर को फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।